राजधानी लखनऊ के जाने माने व्यवसायी और समाज सेवी राजेश कुमार जायसवाल ने वर्तमान राजनीति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल पा रही है। युवा परेशान है, बेरोजगार है, जनता महंगाई से त्रस्त है, इसलिए वर्तमान की राजनीति को विकास की बात करनी चाहिए, ना कि धर्म और जाति को लेकर जनता को भटकाए। राजेश कुमार जायसवाल निरंतर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते आए हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने गैस प्लांट से कई ज़रूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए थे। ये डिसीजन हमारे जायसवाल समाज के अध्यक्ष अजय जायसवाल जी हैं, उन्होंने लिया कि जायसवाल समाज से इस बार हमको राजेश जायसवाल मेरा नाम है। देखिए, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इस पार्टी ने क्या किया जो पिछली पार्टियाँ थी। मैं जो सोच रहा हूँ कि कम से कम यदि आप लोगों की जनता ने हमको, लखनऊ की जनता ने मेयर के रूप में चुना, तो मैं सबसे पहले जो लखनऊ के गड्ढे हैं, बुरी हालत हो रही है, जाम लग रहा है, या मैं देख रहा हूँ उल्टे सीधे जल संस्थान के बिल आ रहे हैं घरों पे, इनको मुझे कम करना है। तो ये पावर एक मेयर की होती है, चाहे ग्रह करो जल करो। जिस तरह से पार्टियाँ बढ़ाती जा रही हैं, लोगों पास खाने के लिए नहीं है, और एक तरफ उनका हाउस टैक्स जल कर इतना बढ़ता जा रहा है कि बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरा एक ही मुद्दा है कि इसको किसी तरह से निजात पाई जाए। मैं अपनी जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, यदि उनको लगता है कि मैं एक सही अच्छा प्रत्याशी हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको चुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति अब हो चुकी है, खास करके यूपी में, और इससे निजात पाने का एक ही उपाय है कि अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई दूसरा। बहुत ही अच्छा, शायद बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और अगर उन्होंने डिसाइड किया है ऐसा कुछ करने के लिए, जैसा कि मुझे पता है, आपको भी पता है, तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ, हर कदम में उनके साथ हूँ, और जो कुछ अच्छा हो सके वो ज़रूर करेंगे, मैं हमेशा साथ हूँ इस कदम में। थैंक यू। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।